राकेश जी बताई थी कि गणेश जी तारीफ कर रहे हैं नामिका जी की उसकी, और जब आप जब चांदनी जी महंगाई की बात कर रहे हैं तो आप, मैं देख रहा था आप उनको रिएक्ट कर रहे थे कि नहीं ये ठीक बात कर रही है, तो बताइए। बिल्कुल महंगाई चरम पे है। उज्ज्वला गैस की बात कही दिनेश जी ने, आपने 1500 रुपए का सिलेंडर दे दिया, 5 साल पीछे चले जाइए, 325 रुपए में गैस रिफिल हो रही थी, आज 1000 के ऊपर हो रही है। साल में गरीब परिवार भी कम से कम 12 सिलेंडर का प्रयोग करता है, आपने 1500 रुपए दिया, 8000 रुपए उसकी जेब से निकाल लिया। सरसों का तेल 500 रुपए, 5 साल पहले 70 रुपए किलो, आज 250 रुपए किलो, महंगाई चरम पे है। आप बात करते हैं कि आँख, हमने धुआं से आँख को बचाया, आँसू बचाया गरीब के, अरे किचन में घुसते ही वो रोने लगती है महिला, किचन में घुसते ही रोने लगती है, और पूरी तरह से महंगाई है। कहीं कुछ नहीं कर पाए, केवल मुंगेरी लाल का हफीन सपना दिखा के उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करके सरकार बना लिया। बिल्कुल 22 में जो हाल 17 के पहले था, दिनेश जी का लेंगे, दिनेश प्रताप सिंह जी, दिनेश जी बताइए, देखिए इनका कहना है कि उन्होंने गठबंधन किया, और पीछे देखिए डॉक्टर संजय चौहान साहब भी बैठे हैं पीछे, सपा के साथ गठबंधन है, और वो एक एक बात बड़े ध्यान से सुन रहे हैं आप लोगों की, और खास तौर पर आपकी। इस बार आपकी पार्टी तो छोटे छोटे वैसे गठबंधन नहीं कर पाए, लेकिन अखिलेश यादव ने गठबंधन का एक जो ताना बाना बुना है उसको भी कमजोर नहीं आंक सकते, तो कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं? पहले तो मैं अपने भाई के एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, छोटा सा जोड़ लीजिए उसमें। इन्होंने कहा कि जिनके घरों पर बुलडोजर चला है वो गलत तरीके से अवैधानिक चला है, कोई ऐसा उदाहरण उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के पास है जो ये ठहरा सके कि इनके ऊपर बुलडोजर चला वो अवैधानिक बिना नियमों का अनुपालन किए हुए चला है? तो मैं समझता हूँ ऐसा उत्तर प्रदेश में कोई कार्यवाही नहीं हुई। दूसरा सवाल आपने क्या किया? मेरा ये कहना था कि क्या लग रहा है आपको कि मैं दफियों उदाहरण दे सकता हूँ। नहीं, गठबंधन समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन क्यों किया आप समझ सकते हो, जो कमजोर होते हैं वो गठबंधन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में सबसे मजबूत नहीं, पूरे विश्व में सबसे मजबूत पार्टी है, इसलिए गठबंधन की बहुत आवश्यकता नहीं है। अगर किसी कमजोर दल को आवश्यकता है तो भारतीय जनता पार्टी उसका सहयोग कर सकती है, कर रही है, लेकिन हमको किसी ऐसे गठबंधन की अपने को मजबूत करने के लिए आवश्यकता नहीं है। एनडीए का कितनी पार्टियों से गठबंधन है दिनेश जी, इसको भी बता दें। मैं कहता हूं अगर गठबंधन की जरूरत नहीं है, मजबूत है, उत्तर प्रदेश में आपने छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया था कि नहीं किया था 17 में? आपने उनके साथ दगा किया, धोखा किया, उनसे वादा खिलाफी किया, जो आपको छोड़ के चले गए। राकेश जी, एक सवाल है आपसे कि आपने इस्तीफा दिया विधानसभा से सड़क को लेकर, जनता के सरोकार को लेकर, तो ये अभिनय था कि सच में जनता की पीड़ा? बीरेफ जी, कोई प्रधान भी 4 दिन पहले अपने पद से इस्तीफा नहीं देता है। PMGFY की 2 फड़कें बनी थी, 5 साल, अक्टूबर 21 तक उनका रखरखाव करना था। बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार किया गया, मरम्मत के नाम पे पैसा निकाल लिया गया, फड़क से लेके सदन तक मैंने बात को उठाई और नहीं सुनी गई, तो मैंने इस्तीफा दिया। और आप कल देखे होंगे, सभी पेपरों में छपा है, सभी मीडिया में भी चला कि मैंने PIL किया है, हाईकोर्ट की शरण में भी गया हूँ, और 2 हफ्ते में हाईकोर्ट से ने अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास से जवाब भी मांगा है। तो अभिनय नहीं था, 6 महीने पहले मैंने इस्तीफा दिया है।